हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे के भी सोच रहे थे। और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी थी। हमने वाइब्रेंट गुजरात तब जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। 20 साल हो रहे हैं, हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई थी तब गुजरात में बड़े बड़े होटल भी नहीं थे जहां पर इतने सारे विदेशी मेहमानों को रुकवाया जा सके। जब सारे सरकारी गेस्ट हाउस भी भर जाते थे तो हमारे सामने सवाल होता था कि अब बाकी लोग कहां ठहरेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस हाउस ने को मैंने कहा, भाई जरा आपके कोई गेस्ट हाउस वगैरह है तो वो भी छोड़ दीजिए ताकि उनके काम आ जाए। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक का हमने उपयोग किया, उनके गेस्ट हाउस में मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया गया। कुछ लोगों को बड़ौदा भी ठहराना पड़ा। साथियों, मुझे याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी।
और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थापित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट ने, पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन 2009 के वाइब्रेंट समिट में सफलता का एक और नया अध्याय जुड़ गया। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था, आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे, अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रीजंस हैं। इसकी सफलता में आइडिया, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट शामिल है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कम ही लोगों ने सुना था, लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों को इसका महत्व समझ आया। कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू कर दिया। एक और अहम फैक्टर है इमेजिनेशन। हमने अलग तरीके से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को, एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता है, उस समय जरा कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी।